हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आज मंगेश कुमार ने क्यों गाली दिया यूट्यूब को, आखिर क्यों। तो देखिए इस वीडियो को कि कैसे ये गाली दे रहे हैं। अब तो मन करता है यूट्यूब को माधव कहने का। आगे बढ़ने से पहले, अपने छोटे भाई का नाम नहीं जानते तो मेरा नाम है अभि शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल भीम भाई, जो कि यूट्यूब से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे और टेक भी मिलेंगे। यूट्यूब को इतना खतरनाक गाली वो मंगेश कुमार ही दे सकता है। बोला है यूट्यूब माधरचोद है, आखिर क्यों बोला है ये तो हमें भी नहीं मालूम। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग जरूर देखें ये इस वीडियो को कि ये कैसे गाली दे रहे हैं। अब तो मन करता है यूट्यूब को माधवचोद कहने का। यूट्यूब कहता है कि पहले माधवचोद थे, माधवचोद हैं और माधवचोद रहेंगे। दोस्तों कहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले से यूट्यूब पे जो भी लोग शॉर्ट वीडियो को छोड़ के लॉन्ग वीडियो बनाते हैं या फुल वीडियो बनाते हैं, उनके वीडियो पर जो व्यूज है वो दोस्तों अचानक से घट गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूट्यूब जो उनके चैनल का टोटल इंप्रेशन है उसे घटा दिया है। और जब इंप्रेशन भैया डाउन हो जाता है ना, तो अपने आप व्यूज कम आएगा, और जब व्यूज कम आएगा तो वॉच टाइम कम मिलेगा, और दोस्तों सब्सक्राइबर्स कम बढ़ेगा, और दोस्तों अर्निंग भी कम होगा। तो दोस्तों अभी यूट्यूब पे बहुत सारा समस्या चल रहा है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस समस्या का समाधान आप कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूँ आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं, और दोस्तों प्रमोशन वाला कोड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी और नंबर वन प्रॉब्लम के बारे में, सबसे बड़ी जो समस्या है इसके बारे में। जो सबसे पहला और सबसे बड़ी समस्या है वो है दोस्तों व्यूज का। यहां पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कुछ दिन से जो भी लोग अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियो या फुल वीडियो अपलोड करते हैं शॉर्ट वीडियो को छोड़ के, उनके वीडियो का जो व्यूज है वो अपने आप डाउन हो गया है, घट गया है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि आप मेरे जैसा वीडियो अपलोड करते हैं, तो पहले हम जो वीडियो अपलोड करते थे उस वीडियो पर 24 घंटे 48 घंटे में 10,000 व्यूज आ जाता था, तो अभी दोस्तों मुश्किल से 5,000 नहीं तो 7,000 व्यूज आ रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर यूट्यूब का जो एल्गोरिथम सिस्टम है वह दोस्तों चेंज हो रहा है। यहां पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है शॉर्ट पे। लेकिन दोस्तों यहां पर यही नहीं है, यहां पर दोस्तों एक चीज और है कि एल्गोरिथम सिस्टम जब चेंज हो रहा है तो दोस्तों यहां पर सबको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन यूट्यूब यहां पर शॉर्ट को सीधा ध्यान में रख रहा है, शॉर्ट को ज्यादा यहां पर ऊपर ले जाने की कोशिश में है। और दोस्तों इसके चक्कर में जो लोग लॉन्ग वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके चैनल का जो टोटल इंप्रेशन होता है उसे घटा दिया है। जब इंप्रेशन घट गया है, डाउन हो गया है, तो भैया सब कुछ डाउन हो जाता है। लेकिन यहां पर दोस्तों बहुत बड़ी बात यह है कि दोस्तों इंप्रेशन तो घट गया है लेकिन जो सीटीआर है वह दोस्तों बढ़ गया है। सीटीआर बढ़ा है, इसका दोस्तों मेन फोकस है हमारे वीडियो के थंबनेल पे। यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर इंप्रेशन क्या होता है और सीटीआर क्या होता है। जैसे कि दोस्तों हम अपने चैनल पर जो भी वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, यहां पर हमारा काम खत्म हो जाता है। अब बारी होता है यूट्यूब की कि यूट्यूब हमारे वीडियो को कितना लोगों के सामने भेज रहा है। जितना लोगों के पास भेजता है उतना इंप्रेशन होता है। तो अगर 100 लोगों के पास हमारे वीडियो को यूट्यूब भेज दिया तो हमारे वीडियो का जो इंप्रेशन होता है वह दोस्तों 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसमें से अगर 10 लोग क्लिक कर दिया हमारे वीडियो पे तो भैया सीटीआर 10% निकलता है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों मेरे ही चैनल का है, यहां पर अगर आप इंप्रेशन को देखते हैं तो भैया यहां पर इंप्रेशन जो है वह 47% घट गया है, आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सीटीआर जो है वह 21% यहां पर बढ़ गया है, ये भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर कितना बड़ा फंडा है। यहां पर हमारे वीडियो का थंबनेल सही है तभी ना ज्यादा क्लिक हो रहा है, और जब थंबनेल सही है ज्यादा क्लिक हो रहा है तो यहां पर सीटीआर बढ़ा है तो इंप्रेशन भी बढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं भैया, हम तो गधा ना है, हमें समझ में कुछ थोड़ा ही आता है। यहां पर यूट्यूब अपने मर्जी से कर रहा है, पहले शॉर्ट लाके यूट्यूब में रख दिया और यूट्यूब को बना दिया टिकटॉक। अब दोस्तों जो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं और जो लोग फुल वीडियो बनाते हैं उनका भैया खटिया यहां पर खड़ा हो ही गया है। तो दोस्तों ये आपको पता चल गया। अब दोस्तों दूसरे समस्या पर हम बात करते हैं। दूसरा जो समस्या है वो है दोस्तों वीडियो परफॉर्मेंस का। जैसे कि दोस्तों अगर आप अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड कर देते हैं उसके बाद दोस्तों वो आपका वीडियो चलने लगता है, तो दोस्तों अगर आपके YT स्टूडियो ऐप में 2 व्यूज दिखाई दे रहा है ना, 2 व्यूज, तो दोस्तों YouTube एप्लीकेशन में 1 व्यूज दिखाई देगा। और दोस्तों यह पूरा क्लियर होने में, जैसे कि YT स्टूडियो में जितना दिखाई दे रहा है उतना ही आपके YouTube ऐप में दिखाई दे वो दोस्तों क्लियर होने में 12 घंटे नहीं तो 24 घंटे तो लग ही जा रहा है। जैसे कि दोस्तों रात में हम एक वीडियो अपलोड किए थे, उस वीडियो पर 25,000 व्यूज आ गया था अभी तक की बात कर रहा हूँ, लेकिन YouTube में दिखाई दे रहा था
12,000। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। और दोस्तों ये आज से नहीं, आज से दोस्तों 15-20 दिन पहले से ऐसा समस्या आ रहा है, लेकिन यूट्यूब अभी इसका समाधान नहीं किया है। और काफ़ी ज़्यादा लोग रिपोर्ट भी कर दिए, मैं भी रिपोर्ट कर दिया हूँ, तब भी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो दूसरा समस्या तो ये हो गया। तीसरा समस्या यह है कि दोस्तों अगर हम सभी लोग वीडियो को अपलोड कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं, तो अपने आप कमेंट ऑफ हो जाता है। जैसे कि दोस्तों हम रात में एक वीडियो को अपलोड किए थे आज से 2 दिन पहले, और वीडियो पब्लिक हो गया, उसके बाद वह वीडियो का जो कमेंट था अपने आप ऑफ हो गया, ऑन कर देते थे उसके बाद ऑफ हो जाता था। उसमें जानते हैं कमेंट कितना आया था, मात्र 60 कमेंट, 10,000 व्यूज आया तो 60 कमेंट था। उसके बाद दोस्तों 3-4 घंटे के बाद जाके वह समस्या का समाधान हुआ, कमेंट ऑन रहने लगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर यूट्यूब घटिया बनते जा रहा है।